नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तुलसी विवाह एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है। यदि इस समय अशुभ से अशुभ कार्य भी किए जाए तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। इस समय मुहूर्त मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन कार्यों में विघ्न बाधाएं कभी नहीं आती है। तुलसी माता का जयकारा लगाते हुए नमक की ये वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी और देवउठनी एकादशी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में रख देना, इससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी, किस्मत पर लग जाएंगे, चार चांद कंगाल भी हो जाएंगे, धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक सोना चांदी हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक ना जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार धन दौलत को रुतबे पैसे को लिए हुए होता है। नमक से आपके जीवन में धन ऐश्वर्य उत्तम जीवन साथी सुख संपदा सौभाग्य पूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्ध प्राप्त करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ धर्मार्थ YouTube चैनल के माध्यम से शास्त्र संबंधित वेदों से उठाकर तथा लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह खास उपाय आपको बताएंगे जिससे जीवन में अंधकार को पूरी तरह से यह खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है तो नमक का यह खास उपाय गरुड़ धर्मार्थ YouTube चैनल के माध्यम से जरूर करिएगा। आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। यदि भूलवश आपसे यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी होंगे वह आपके सर आ जाएंगे, उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा अवश्य करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा, जीवन पूरी तरह से नर्क की ओर चला जाएगा। आपने यह अवश्य सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पीसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, पूर्णिमा अमावस्या या शनिवार मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मन मुटाव, घर की सुख शांति हो गई है भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी ले और 5 चम्मच नमक डाले, तब आप पोंछा लगाए। किंतु याद रहे, जब आप पोंछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, यह आपको पोंछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। मैं गरुड़ धर्मार्थ आपको यह भरोसा दिलाता हूं, आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों,
क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता सदैव के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुहक होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं। और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थाई रूप से होता है, समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में दो बार, कम से कम दो बार अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। आपके घर में अस्थाई रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से गौर अशुभ माना जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। इसीलिए मैं गरुड़ धर्मार्थ आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है नमक। जब आप बाजार से लाकर डब्बे में, तो माता अन्नपूर्णा का नाम अवश्य ले लें और नमक माथे से लगाकर छूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप नज़र दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को नज़र लग जाती है, घर के मुखिया को नज़र लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में ढेली नमक ले और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखे और एक छोटा चम्मच आटा डाले तथा आटे का छानस डाले। अब किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चों के ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतार कर, सर के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी, आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा अचानक हल्का कैसे हो गया, क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना, ये 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों से हमारे बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ चैनल एक सटीक और धर्म शास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से के कीड़े मकौड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकौड़े भाग जाते हैं, इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं, तभी समुंदर के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे, कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। यह उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया ये उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, माता के लिए एक लाइक तो बनता है
और हमारे चैनल गरुड़ धर्मार्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में हजार गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी ले और नमक चुटकी नमक डाले और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाए, पूरे चेहरे पर लगाए। इससे दाग धब्बे चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर भी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो और इसे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सूरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा, सीमित मात्रा में। नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में दो लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी वास होता है। नमक के डब्बे में दो लौंग अवश्य डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। गरुड़ धर्मार्थ चैनल कभी आपके साथ धोखा नहीं होने देगा। वीडियो के अंत तक बने रहना। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त राज है। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे यूट्यूब चैनल में यह उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए, हुए ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक बिना किसी बुरी स्मेल के, सड़न गलन के, बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा 100% खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। किंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें, फिर ये प्रक्रिया करें। यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले। पानी से हफ्ते में एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। हम भी यानी गरुड़ धर्मार्थ ऑनर भी नमक में पानी डालकर स्नान अवश्य करते हैं। आप भी अवश्य करें और फायदा और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सरफ डालकर यदि के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार
यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है, और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपाकर रख दे और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रख कर सो जाए। ये प्रक्रिया लगातार एक हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक लाइक तो बनता है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैया चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह शांत हो जाते हैं। यदि कुत्ता ना खाए तो कोई बात नहीं, कुत्ता बस रोटियों को हल्का सा चख ले। आप अपना कर्तव्य करें, इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव घर के मैंने द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है। पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा रही है। और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा ले तो संभले। भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है। आपके ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया लग जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे हाथ में रखकर गूंदे बिना बर्तन के और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दें, गाय माता को खिला दें। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है। दोस्तों, अब इससे क्या होगा वह हम आपको है देखिए। हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते हैं तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है, और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में, जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा जो कि हम गरुड़ धर्मार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान तो आप अवश्य करते होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है। सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप पितृदोष, शनिदोष, मंगल दोष, राहु, यहां तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए दक्षिणा डालकर अवश्य दान करना चाहिए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थाई निवास पूर्वक वास करेंगे। दोस्तों, यदि रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं, सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है, बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह मजबूत होता है, गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है, शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान है। गरुड़ धर्मार्थ यूट्यूब चैनल में बने रहे। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है।
दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ माना जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक माना जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत माना जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। ये माता लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है। यदि आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।